लोकसभा चुनाव के चलते ही दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं, और भजनलाल शर्मा ने अपनी ईआरसीपी को लेकर जो धन्यवाद यात्रा है वो दूसरा दिन धौलपुर में है, तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा भी धौलपुर पहुंच चुकी है। धौलपुर के अंदर बड़े नेता थे और सचिन पायलट ने इसको लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने तीन काले कानून सरकार जो किसान है उन पर थोपे थे, और किसानों ने जब इसको मुद्दा उठाया और सड़कों पर पड़े रहे तो आखिर जाकर किसानों की सुध ली और किसानों के दबाव में काले कानूनों को वापस किया, लेकिन ईआरसीपी आज तक लागू नहीं हुआ है। सचिन पायलट मुद्दे की बात करते हैं, हमेशा सचिन पायलट की एक एक बात में दम होता है, और सचिन पायलट ने किसानों को जो है वो लुभाने के लिए या किसानों के दर्द को समझने के लिए इस तरीके की बात की है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में दोनों ही पार्टी आमने सामने है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल शर्मा ने तो कहा है कि सिर्फ कांग्रेस को अपने परिवार की चिंता है, सोनिया गांधी को अपने बेटे राहुल गांधी और अशोक गहलोत को अपने बेटे वैभव गहलोत की चिंता है। अब ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने एक तंज कसा है राहुल गांधी पर कि अब तो जादूगर कह लीजिए या फिर सोना निकालने वाला कह लीजिए कि अब सोना निकालने वाला आ चुका है, कह चुके हैं, मतलब समझ सकते हैं हम कि राहुल गांधी को लेकर जो उनके बयानबाजी हैं उनको लेकर, वो बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, और ये आलू से सोना निकालने वाली जो बात है बहुत पुरानी हो चुकी है, इस तरीके की बात राहुल गांधी के मुंह से निकल गई थी, लेकिन उसके मायने कुछ और थे। अब इसको प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस बार लोकसभा चुनाव के चलते कोई भी खामियां नहीं छोड़ना चाहती, मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं। जहां एक तरफ भाजपा का मिशन है कि 25 जो सीटें हैं विगत 10 वर्षों से उनके खाते में हैं उनमें कोई दूसरी पार्टी सेन ना लगाए, तो कांग्रेस का मानस यही है कि किसी भी तरीके से राजस्थान में सीट तोड़नी है, नेता जो भी आगे करना पड़ेगा उसे करेंगे लेकिन सीट तोड़नी है। इसी बीच अशोक गहलोत ने भी जो है जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई और कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सिर्फ यह बयानबाजियों के शोर से कुछ होने वाला नहीं है, एक दूसरे पार्टियों पर बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव कांग्रेस किस तरीके से लड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा प्लान तैयार कर लिया है लेकिन प्लान कांग्रेस ने भी तैयार कर लिया है। इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस चमका सकती है, चौंका सकती है, और सचिन पायलट से पूछकर भी टिकट दिए जाएंगे, ऐसी चर्चा है कि सचिन पायलट से लोकसभा चुनाव के अंदर पूछकर टिकट दिए जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर जो सचिन पायलट को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया था उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत चुकी है, लेकिन क्या लोकसभा में सचमुच कांग्रेस किसी भी तरीके का प्लान तैयार करके कुछ सीट निकालने में कामयाब होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विगत 10 वर्षों से 25 की 25 सीटें अपने खाते में, हनुमान बेनीवाल की सीट को छोड़े तो वैसे हनुमान बेनीवाल अब खींवसर से विधायक है, तो अब इस बार हनुमान बेनीवाल क्या चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से लड़ेंगे ये बात अलग है, लेकिन 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आसानी से सीट तोड़ने देगी, क्या भारतीय जनता पार्टी एक दो सीट कांग्रेस को तोड़ने देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी पुरजोर कोशिश यही कर रही है कि 25 की 25 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में आनी चाहिए। अब सचिन पायलट को आगे किया जाता है, अशोक गहलोत की इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी और कौन नेताओं को इसके अंदर टिकट दिया जाएगा और किस तरीके से प्लान तैयार करके कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, हालांकि प्लान तो तैयार है, और बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल में भी इस लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि धन्यवाद यात्रा को छोड़कर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीच में जो दिल्ली का दौरा था और दिल्ली में पार्टी के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक थी, तो सूत्रों से जो खबर मिली है कि आला अधिकारियों के साथ जो उनकी बैठक थी वो लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक है, और इस लोकसभा चुनाव को लेकर जो बैठक हुई है इसके अंदर जो है मंत्रिमंडल के फेरबदल भी जो है देखने को मिल सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले। कई जातियां हैं, हम जाट कह लीजिए, गुजर कह लीजिए, या मीणा भी, किरणलाल मीणा को जो पद मिला है उससे वो नाराज हैं, वो सोच रहे थे कि मीणा साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा बाबा को, लेकिन मुख्यमंत्री की जगह उन्हें डिप्टी सीएम भी नहीं मिला, और विभाग डॉक्टर किरणलाल मीणा को दिया गया है उस विभाग को छिन्न भिन्न कर दिया गया, उसके 10 टुकड़े कर दिए गए, तो मीणा समाज में खासी नाराजगी, और गुजर समाज में से सिर्फ एक का कोई ही जो है वो मंत्री बनाया है, अब उसको लेकर भी जो है मंत्री बनाया है उसको लेकर भी जो है चर्चा है कि क्या गुजर समुदाय के कोई मंत्री जो नेता है उसको जो है वो कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, और क्या किरणलाल मीणा को कोई बड़ा पद दिया जाएगा,
ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का फेरबदल करके और सभी जातिगत समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जैसा कि उन्होंने राजस्थान के अंदर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर जनरल को साध लिया है, तो वहीं राजपूतों को डिप्टी सीएम, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम का पद और वित्त मंत्री जो बनाकर राजपूत समुदाय को साध लिया, तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाकर एक तरीके से दलित समुदाय कह सकते हैं कि उसको भी पूरी तरह साधने का प्रयास किया है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर जो चर्चाएं हैं वो जिस तरीके से सुर्खियों में है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, तो क्या सचमुच फेरबदल होगा, और अगर होगा तो किन किन जातियों के नेताओं को बड़े पद मिल सकते हैं और किन किन नेताओं को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके की चर्चा है कि सचिन पायलट की अगुवाई में क्या लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, और क्या राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं उसका लोकसभा चुनाव पे कोई असर देखने को मिलेगा, क्या कांग्रेस पिछली बार की तरह जीरो पर रहेगी या इस बार कुछ सीटें निकालने में कामयाब होगी। महेंद्र वासोटा, टीवी नाइन जयपुर।